कहते हैं ना, भगवान भी जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज, मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। मौजूदा दौर में पंकज त्रिपाठी को कौन नहीं जानता। अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर पंकज त्रिपाठी ने दर्शकों के बीच अपनी एक खास पहचान बनाई है। उनकी फिल्म हिट हो या फ्लॉप, लोग तो बस उनकी अदाकारी के दीवाने हैं। पंकज त्रिपाठी इन दिनों डिजिटल स्क्रीन से लेकर सिल्वर स्क्रीन पर छाए हुए हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर, मिर्जापुर, मिर्जापुर 2, लूडो या फिर गुंजन सक्सेना हो, हर फिल्म में उनकी अपनी खास और जबरदस्त एक्टिंग है जो दर्शकों को खूब पसंद आई है। हर तरफ लोग पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग की तारीफ करते हैं, उनके डायलॉग लोगों को खूब पसंद आते हैं। पंकज त्रिपाठी बताते हैं कि उन्हें दर्शकों से जितना प्यार और समर्थन मिला है उसकी कल्पना उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं की थी। वो बस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में आना चाहते थे और एक्टिंग करना चाहते थे, इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं सोचा था, ना ही उनके मन में इस तरह का कुछ था। पंकज त्रिपाठी तो यह भी नहीं जानते थे कि उन्हें लीड रोल में काम करने का भी मौका मिलेगा। आपको बता दें कि आने वाली कुछ फिल्मों में वो लीड रोल में हैं। ऋचा चड्ढा के साथ एक फिल्म शकीला जो कि हाल ही में रिलीज हुई है, और एक सलमान खान प्रोडक्शन की फिल्म कागज में वो मुख्य किरदार में हैं। इस फिल्म का ट्रेलर अभी हाल ही में रिलीज हुई है। पंकज त्रिपाठी खुद बताते हैं कि मुंबई आने के बाद उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन उनके पास खास कहानियां नहीं है। पंकज त्रिपाठी का कहना है कि उनकी पत्नी मृदुला त्रिपाठी ने उनका बहुत सपोर्ट किया है। मुंबई आने के बाद मृदुला त्रिपाठी टीचर की जॉब करती थी, उन्हें अच्छी सैलरी मिलती थी जिससे बिना किसी तकलीफ के दोनों का जीवन यापन होता था। पंकज त्रिपाठी बताते हैं कि इस बीच वो साइड से काम भी ढूंढते रहते थे, फिर उनका वक्त बदला और उन्हें काम मिलने लगा। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में पंकज बताते हैं कि उन्हें काम की चाह थी मगर बेचैनी नहीं थी, इसलिए वो कभी हताश नहीं हुए। जितना मिल जाता था वो उतने में खुश रहते थे। उनके साथ कई बार ऐसा होता था कि उन्हें यह भी पता नहीं होता था कि अगले दिन काम मिलेगा भी या नहीं। पंकज ने आगे बताया कि वो सोच रहे थे कि रेलवे की नौकरी कर लेंगे, लाख डेढ़ लाख रिटायरमेंट में मिल जाएगा, ऐसा सोचे थे। यही कारण था कि वो अपने जीवन के मुश्किल दौर में कभी हताश नहीं हुए। पंकज कहते हैं कि बाद में उन्हें काम मिलने लगा और इसलिए उनकी पत्नी ने टीचर वाली नौकरी छोड़ दी। पंकज के अनुसार उनकी पत्नी ने खुद से अपनी नौकरी छोड़ी, इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा था। पंकज त्रिपाठी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और अपनी बेहतरीन अभिनय की वजह से अपनी खास पहचान बनाई है। संघर्ष के दिनों को याद करते हुए पंकज भावुक हो जाते हैं। अपने नम्र स्वभाव के कारण वो हमेशा सबके दिलों पर राज करते हैं। एक टीवी शो के दौरान उन्होंने कहा था कि सुपरस्टार मनोज वाजपेयी की वो बहुत बड़े फैन हैं। एक बार मनोज वाजपेयी किसी होटल में ठहरे हुए थे और उनका कोई सामान छूट गया था, जिसे पंकज त्रिपाठी ने श्रद्धापूर्वक अपने पास रख लिया था। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने यह बात मनोज वाजपेयी को बताई थी। पंकज त्रिपाठी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपनी मेहनत और लगन से वो भारतीय सिनेमा में अपनी खास जगह बनाए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।